गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी राइट द डेट्स अबव द टॉपिक क्यूट एलिफेंट. दिस इज टॉपिक नंबर 13. 19 डेट 8 मंथ एंड 2020 ईयर. फर्स्ट वी जॉइन द डॉट्स विद द पेंसिल लाइक दिस. हमने सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लिया है इस तरह से. उसके बाद स्केच पेन भी फेर लिया है. यहाँ ध्यान रखना है आपने कि ये एलिफेंट के टीथ हैं. इनको सेपरेट नजर आना चाहिए कि ये टीथ हैं. इसको ईयर्स के बीच में या इसकी ट्रंक के बीच में आपने मिक्स नहीं करना है. इसके बाद हम क्या करेंगे, आईज बनाएंगे. तो सर्कल्स बनाएंगे आईज के लिए, वो लिखेंगे. और एक अंदर सर्कल बनेगा और सर्कल के बीच में एक छोटा सर्कल बनेगा. बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल. बड़े सर्कल में हम ब्लैक कलर कर देंगे, आईज के लिए फिल कर देंगे. और छोटे सर्कल को हम खाली ही रहने देंगे. आईब्रोज एंड आईलैशेस एंड आईब्रोज. ठीक है, यहाँ आईलैशेस 2-2 हमने बना दिए और ये आईब्रोज बन गए. ये आपकी आईज हो गई. यहाँ हम ट्रंक की थोड़ी शेप दे देंगे. इस तरह से कर्व्ड लाइंस बना देंगे. और यहाँ पर लेग्स में उसके लेग्स की भी शेप दे देंगे. यहाँ 2 दिए हुए हैं बट 3 होते. इस तरह से 3 बनेंगे ये. इस तरह से ये आपका सारे कर्व्स ये हो गया. अभी हम टेल पे आ रहे हैं. यहाँ पीछे हम लेग के लेग का अपर पोर्शन, जहां यहाँ पर हम ये टेल बना रहे हैं. अब इसमें अभी हम स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन कर देंगे. ये हमने स्केच पेन करके और उसके बाद सूखने के बाद इरेज भी कर लिया. अभी हम क्या करेंगे, हम लोग स्काई ब्लू कलर से अंदर अंदर इस तरह से लाइन लगा लेंगे. ये इसके नेल्स हैं तो इसके ऊपर नहीं आएगा ये कलर. यहाँ पे ग्रे दिया हुआ है बट हम स्काई ब्लू कर रहे हैं. इसमें स्काई ब्लू और व्हाइट का मिक्स करेंगे हम. ईयर्स में आपके आउटर पोर्शन में स्काई ब्लू आएगा और इनर पोर्शन में पिंक आएगा. यहाँ पे ईयर्स में आपका इस तरह से पिंक आएगा. इस तरह से आपने हल्की हल्की शेडिंग कर लेनी है स्काई ब्लू से अकॉर्डिंग टू शेप. आप इसके इसको हल्की हल्की कलरिंग करेंगे स्काई ब्लू से.
ये हमने स्काई ब्लू कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, व्हाइट कलर लेंगे, उसमें इसमें अगर कोई और कलर ऐड आ रहा है, हो रहा है, तो उसको साफ कर लेंगे और फिर हमने इसको मिक्स करना है व्हाइट कलर से, इस तरह से अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने उसको मिक्स करना है व्हाइट कलर को इसके अंदर। फेस में इस तरह से हमने फेस के अकॉर्डिंग, हमेशा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने शेप लेनी है, अपने आप से नहीं कि कहाँ कहीं भी स्ट्रोक्स आपकी जा रही हैं। अगर ये इस साइड का फेस है तो ये इस तरह से जाएगा, और यहाँ सेंटर में नोज का है तो नोज की तरफ जाएगी उसकी शेडिंग शेप, और फोरहेड का है तो आपका ऊपर की तरफ जाएंगे आप, और इस साइड इस तरह से स्ट्रोक्स लेंगे आप, अकॉर्डिंग टू शेप ही जाना है हमेशा, बिना अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना शेप के। ये आपका फेस हो गया। नाउ वी कम टू ईयर्स। आपका जो ये पिंक वाला है, ये दूसरी साइड पे मेरा पिंक है, तो हम इसको इसमें ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे पिंक को। ये सारा मिक्स हो गया, या इधर से भी हम मिक्स कर लेंगे पिंक को। ये इनर ईयर है उसके, अंदर वाली साइड है ईयर्स की, और आउटर साइड जो है उसमें हम उन्हें स्काई ब्लू हल्की हल्की शेडिंग दी थी, वही शेडिंग हम व्हाइट को कंटिन्यू करेंगे, मिक्स करेंगे, व्हाइट की मिक्सिंग होएगी उसमें इस तरह से। जहाँ जहाँ से आपको थोड़ा लगेगा कि ये थोड़ी सी हल्की लाइट हो गई है ज़्यादा, वहाँ पे थोड़े थोड़े हम डार्क स्ट्रोक्स दे देंगे और शेडिंग कर देंगे। इसके बाद हमारे ईयर्स आ जाएंगे। ईयर्स में हम ने थोड़ा सा येलो किया है। हाँ, टीथ आ जाएंगे इसके बाद। हमने थोड़ा सा टीथ में येलो किया है, और येलो के साथ हम व्हाइट मिक्स करेंगे। व्हाइट में कुछ भी नहीं आना, कोई और कलर नहीं आना चाहिए, बस हमने हल्का सा येलो करके बाकी हमने उसमें व्हाइट मिक्स कर देना है। ये हमारे टीथ हो गए। नाउ वी कम टू नेल्स। हल्का हल्का पिंक करके आपने इसमें व्हाइट मिक्स करना है। और एलिफेंट इज कंप्लीटेड। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पेज। यहां पे भी हमने 19 डेट डालनी है डायनासोर पे, टॉपिक नंबर 14। राइट द डेट अबव द डायनासोर टॉपिक। We will choose a pink color. And purple for the nails. And blue for the this portion. इसमें हमने क्या करना है, पहले जैसे एलिफेंट में हमने ब्लू से किया था, वैसे पिंक कलर से इस तरह से अंदर अंदर एक लाइन लगा लेनी है। ये जो ऊपर वाले इसकी डिजाइन है, इसमें हमने डार्क ब्लू किया है और स्काई ब्लू से हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। ये हमने ये डार्क ब्लू लिया था, इसको किया था, और इसको इस तरह से हम इसके स्काई ब्लू से मिक्स करेंगे अच्छे से। ऐसे ही हमने ये डार्क ब्लू से डार्क पर्पल से किया था, और ये लाइट पर्पल हम इसमें हल्का सा कर रहे हैं। ये भी हल्का ही करेंगे, लाइट पर्पल भी, और इसको व्हाइट से मिक्स करेंगे। व्हाइट से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार और टचअप दे देंगे इसको। नेल्स। नाउ वी कम टू बॉडी। जैसे हमने पिछले एलिफेंट में व्हाइट मिक्स किया था अकॉर्डिंग टू शेप, वैसे ही हमने डायनासोर में भी
पिंक हमने हल्का हल्का कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू शेप। अब अकॉर्डिंग टू शेप भी हमने इसमें व्हाइट मिक्स करना है। ये हमारा पिंक कलर मिक्स हो गया है, मगर अगर जहाँ पे हमें शेप चाहिए पिंक कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, वहाँ पे हल्का हल्का हम उसको टचिंग दे देंगे। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने टचिंग दिया उसको भी हमने मिक्स कर देना है। नाउ इट इज फिनिश्ड। बाय बाय स्टूडेंट्स।